हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं देखिए कुछ टाइम पहले हमने वीडियोज बनाई थी अमीरों का आईपीओ आज भी ऐसे ही एक अमीरों का आईपीओ से रिलेटेड बातें करना करने की और अमीरों का आईपीओ कहने का मतलब क्या है क्या ऐसा है कि केवल इसे अमीरों का आईपीओ कहा जाता है क्या बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं क्या उस और कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे और देखिए इस तरीके के आ, आ, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें हमारे वीडियोस को और आगे कमेंट किए कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें शेयर भी करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि हमारा सपोर्ट हो सके हम और अभी आगे हमारे चैनल को ले जा सके और भी बहुत सारे लोग हमारे चैनल से फायदा उठा सके तो देखिए अमीरो का आईपीओ से रिलेटेड हमने यहाँ पर बहुत सारे दो वीडियोज ऑलरेडी बनाए थे यहाँ पर देखिए वन मिनट पहले यहाँ पर वीडियो बनाया था आपने नाइनटीन के यहाँ पर व्यूज आए थे आप थैंक यू सो मच वन मंथ पहले एक और बनाया था वहां टू के व्यूज आए थे तो अमीरों का आईपीओ से मतलब क्या है ओके okay, क्या हो uh, क्या है ऐसा कि अमीरों का आईपीओ पी ओ कहा जाता है तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे जानेंगे उस आईपीओ से रिलेटेड uh, तो यहाँ पर जानते हैं उस कंपनी के बारे में सबसे पहले तो कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ऐसे ही आग बंद करके किसी भी आईपीओ में चाहे कैसा भी आई हो आपको पहली बात तो इन्वेस्ट ही नहीं करना आपको सिंपली पहले समझना है कि कंपनी करती क्या है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का नाम क्या है कंपनी का लोकेशन में है कंपनी अच्छी खासी है या नहीं है तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर इस जिस कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसका नाम है क्वारप्रो आईटीज लिमिटेड तो यहाँ पर देखिए तीन दिन का आईपीओ होता है दो दिन ऑलरेडी हो गया आज कल का दिन एक लास्ट दिन है बट यहाँ पर एक रिव्यू और सब चीज होता है लास्ट दिन पे तो एक बार देना चाहूंगा तो कार्ड प्रो आईटी लिमिटेड इस कंपनी का नाम है देखिए ये अगर बात करें तो देखिए तो तो टोटली कस्टमर सेंट्रिक सर्विस प्रोवाइडर स्पेशलाइ स्पेश इन कंप्लीट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर आर एंड देयर कस्टमर्स तो यहाँ पर एंड टू एंड बिजनेस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है और आई जैसे लिख रहा है तो आई का ही एक तरीका का काम है और बात करें तो ये कंपनी किस को सर्व करती है तो देखें यहाँ पर अगर हम बात करें इज अ वेल नोन सर्विस प्रोवाइडर इन द बैंकिंग एंड टेलीकॉम मार्केट इन साउथ इंडिया तो हम बात करें तो मोस्टली ये जो कंपनी है ना यहाँ पर साउथ इंडिया में जितने भी मोस्टली बैंक है और जो टेलीकॉम सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके लिए ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है जैसे कि पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग सपोर्ट सपोर किसप्रो डिलीवर डेटा बेस मैनेजमेंट एंड बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विसेज फॉर इंडियन बैंक टेलीकॉम कंपनीज एंड ऑफिसम मतलब भारत के बैंकों के लिए टेलीकॉम कंपनीज के लिए यहाँ पर साउथ इंडिया में मोस्टली ये कंपनी बैक ऑफिस का काम करती हुई दिखाई देती है अगर हम यहां पर देखिए सर्विस एरियाज इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन प्रोसेस मेल रूम

क्या है यहाँ पर सब चीज जानना बहुत जरूरी है एक पर्टिकुलर आईपीओ में ए, ए, इन्वेस्ट करने से पहले तो हम बात करें एस एम तो एसएमई आईपीओ एक तरीके से छोटी कंपनीज के लिए आईपीओ होता है वो आईपीओ जिनका जो 25 करोड़ रुपए से नीचे की कंपनी जिनका होता है नेट टू तो उधर से वो कंपनी आईपीओ लेते लेके आती हुई दिखाई देती है आ, ओके और यहाँ पर एक पर्टिकुलर लॉट साइज होते हैं ओके उसी लॉट साइज में यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है उसी लॉट साइज को आपको लेना पड़ता है यहाँ पर जैसे कि आपको ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट का मतलब एक शेयर दो शेयर ले सकते हैं आफ्टर

क्या करती हुई नजर आती है बैंकिंग सर्विसेज है लिए काम करती हुई नजर आती है विद ऑल लीडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लेटेस्ट रेंज ऑफ डेस्कटॉप स्कैनर एज पार्ट ऑफ द पर, पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर देखे तो देखिए ग्यारह साल का यहाँ पर कंपनी को एक्सपीरियंस है इसके अलावा हम बात करें पैन इंडिया प्रेजेंस है जैसे मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता हैदराबाद यहाँ पर साउथ इंडिया में ही नहीं यहाँ पर अलग अलग जगह पर पूरे इंडिया में मोस्टली यहाँ पर है एरियन लिमिटेड अब पब्लिक लिस्टेड स्टेब्लिश कंपनी स्टेक इन कंपनी बात करें एरियन लिमिटेड की तो अगर हम बात करें करेंगे प्रोमोटर्स की तो एरियन uh, लिमिटेड जो कि हमने देख लिया मिस्टर नंदिरा नंदिरा बिड़प्पा तो ये इनके और ये संदीप कुमार अग्रवाल ये इनके प्रमोटर्स है कंपनी का हेड क्वार्टर बैगलोर में इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर आप इनके फाइनेंशियल देख सकते हैं रिवेन्यू की बात करें फिफ्टीन हंड्रेड जीरो सेवन लैक्सिन रुपीज के ट्वेल्व नाइन्टी वन अभी रिवेन्यू जो बात करें तो देखिए घटते हुए नजर आ रहे हैं बट अगर इसके बाद प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये रिवेन्यू घटते हुए नजर आ रहा है इट कुड बी जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडमिक पैंडमिक के रीजन से देखिए बैंक भी बंद थी इंडस्ट्रीज काफी बंद होती नजर आई थी Uh, के टाइम पे सकता है तो इसलिए यहाँ पर देखिए दो पर घाटे uh, में, तो में 21 लाख का प्रॉफिट फिर बहत्तर लाख का प्रॉफिट कंपनी में मतलब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है और पैसा क्यों लिया जा रहा है देखिए पैसा लेने का मार्केट में कोई स्टॉक्स आ रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव उसका अच्छा हो तो वहां पर उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड करती हुई नजर आती है यहाँ पर पब्लिक बात करें तो देखिए जनरल पर पर जो कहती है और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव मतलब कुछ भी कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कंपनी काम करती हुई नजर आएगी ऐसा नहीं है कि डेट पे करना है या फिर खुद के रिक्वायरमेंट के लिए या फिर ओ के थ्रू सारा पैसा लेना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है सिंपली अच्छे व्यू से यह कंपनी आती हुई नजर आ रही है आईपीओ की डेट की बात करें बीस सेप्टेम्बर को पीओ आपता हुआ दिखाई दिया था ओके आज आज इक्कीस तारीख का मतलब दो दिन ऑलरेडी हो चुके हैं आज लास्ट कल लास्ट दिन होता है वो दिखाई देगा बाईस तारीख तो यहाँ पर फिक्स इशू प्राइस की हम बात करें देखिए दो तरीके ऐसे एक ऐसे में आईपीओ होता है एक मेन बोर्ड आईपीओ होता है जब देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि इनमें डिफरेंस क्या होता है देखिए फिक्स प्राइस इशू अगर हम मेन बोर्ड में जाएंगे जैसे कि अभी पारस का भी ओपन है तो पारस में यहाँ आप पर आपको फिक्स इशू दिखाई देगा पर बुक बिल्डिंग दिखाई देगा क्यों बुक बिल्डिंग का मतलब है दो प्राइस दिखाई देंगे जैसे कि उसमें वन सिक्सटी तो इसमें एक ही प्राइस है इसी प्राइस पे आपको लेना पड़ेगा जो कि प्राइस कितना है ट्वेंटी रुपीज पर शेयर ओके दो का फेस वैल्यू है और आपको मार्केट लॉट के हिसाब से एक लॉट पूरा खरीदना पड़ेगा जो कि

आ, यहाँ पर मिला होगा तो यहाँ पर सत्ताईस तारीख को आपको पता चल जाएगी आपके इनिशिएट ऑफ रिफंड अट्ठाइस तारीख को इनिशिएट कर दिए जाएंगे पैसे आ, अगर बात करें शेयर यहाँ पर शेयर अट्ठाईस तारीख को आपके डीमेट में आ जाएंगे और यहाँ पर तीस तारीख को ये शेयर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर आ, यहाँ पर एस एम में हमेशा लॉट में ही लिया जाता है लॉट में इन द सेंस यहाँ पर एक बड़ा लॉट होता है सिक्स हंड्रेड शेयर्स का फाइव हंड्रेड शेयर्स का थाउजेंड शेयर्स का इस तरीके से आपको लॉट में शेयर लेने पड़ते हैं और यहाँ पर जो मिनिमम पैसा देना पड़ता है एक लाख

से क्योंकि छोटी होती है बट अगर प्रॉफिट जनरेट करने वाली मैनेजमेंट अच्छा होता है।, लगता है कि एक दो साल में अच्छा पैसा बना देगी जो कि भागते हुए भी थे, तो उधर यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं अच्छी खासी आई टी स्के सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर में काम करती हुई दिखाई दे रही है और प्रॉफिट में आ गई है तो यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है बट ये अप्लाई वो करे जिनकी करोड़ों में यहाँ पर अगर बात करें आ, करोड़ों में पैसा लगाते हैं बट अगर स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स है जिनके पास थोड़ा सा ही पैसा है वो कर्जर लेके अगर लगाने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए ऐसा करने से आपको घाटा होता हुआ दिखाई देगा कोई फायदा नहीं होगा ओके तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई ये ऐप बने ही नहीं है एक तरीके से एक लाख बीस हजार रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे इस जगह या दूसरे जगह इन्वेस्ट करिए वहां पर आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा जिनके पास पैसा ज्यादा है वो यहाँ पर अप्लाई करते हुए दिखाई दे तो कोई परेशानी नहीं है तो ऐसे में आई ऐसी होता है और ये जब मार्केट में भी लिस्ट हो जाएगा ना तीस तारीख को उसके बाद भी ये ट्रेड जब यहाँ पर ट्रेड करेगा तो यहाँ पर एक लॉट में ही ट्रेड करेगा और शायद छे हजार रुपए का छह हजार शेयर्स का यहाँ पर लॉट होता हुआ दिखाई देगा <coughs> तो ग्रोथ पावर तो इनकी बहुत होती है बट यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है क्योंकि छोटी कंपनी है छोटी कंपनी कभी भी यहाँ पर डूब भी सकती है बट आई चल रहा है बैंकिंग सेक्टर में काम करती है इंश्योरेंस टेलीकॉम तो एक शेयर तो यहाँ पर बूमिंग पे ही है तो यहाँ पर शायद इस शेयर को अच्छा खासा ग्रोथ भी मिल सकता है तो इसलिए अमीर आईपीओ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ही प्राइस यहाँ पर एक लाख बीस हजार का एक ही लॉट मिल सकता है आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ता है छ सौ छह हजार शेयर होंगे और यहाँ पर देखिए बुक बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर फिक्स इशू प्राइस है ये इसमें अंतर होता है तो

कुछ सपोर्ट करते कुछ सपोर्ट नहीं करते तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी बाकी यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मत जाइए जिनका पैसा अच्छा खाता है जो रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं इसके अलावा हम बात करें ग्रे मार्केट प्राइस तो यहाँ पर नील चल रहा है अभी तक और यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर टू टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब भी हो गया है रिटेल इन्वेस्टर नॉन रिटेल इन्वेस्टर देख सकते हैं कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर नजर आ रही है जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉस साइज एन है और आपको यहाँ पर बता दिया है यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो यहाँ पर कमेंट करिए उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो के लिंक सारे ऊपर दे दूंगा तो जाके देख लीजिएगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस